25 जून 1983 वर्ल्ड कप फाइनल, लॉर्ड्स का ऐतिहासिक मैदान। लगातार दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज के आगे भारतीय टीम 183 रन पर सिमट गई। जवाब में खेलने उतरी वेस्टइंडीज को पहला झटका जल्दी लगा। सर गॉर्डन ग्रिनीज को बलविंदर सिंह संधू ने बोल्ड मार दिया, लेकिन तीसरे नंबर पर उतरे सर विवियन रिचर्ड्स ने अपनी तलवार चलानी शुरू कर दी। रिचर्ड्स हर बॉलर को कूट रहे थे। टूर्नामेंट में 15 विकेट ले चुके मदन लाल की गेंदों पर भी 3 चौके पड़े थे। और मुश्किल 130 की रफ्तार से बॉलिंग करने वाले मदन लाल के बारे में मजाक में कहा जाता था कि जब तक उनकी बॉल रिचर्ड्स तक पहुंचती है, रिचर्ड्स के पास 2 स्ट्रोक खेलने का मौका होता है। कपिल ने उनसे कहा कि अब आराम करो, कुछ ओवर्स बाद वापस आना। लेकिन डेस्मंड हेन्स को रोजर विन्नी के हाथों कैच करा चुके मदन लाल नहीं माने। उन्होंने कपिल से कहा, कपसी तुम मुझे बॉल दो, मैं पहले भी विवियन रिचर्ड्स को आउट कर चुका हूं, मैं इसे एक बार और कर सकता हूं। इस बारे में कई साल बाद कपिल ने कहा, मेरा उसे बॉल देने का मन नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो इसे एक और ओवर दे ही देते हैं। कहते हैं ना, कुछ चीज़ें आपके लिए बस हो जाती हैं, और ये हमारे साथ भी हुआ। मदन लाल ने कपिल से लगभग बॉल छीन ली और बॉलिंग करने आए। वेस्टइंडीज की टीम सिर्फ 2 विकेट खोकर 57 रन बना चुकी थी। क्रीज पर रिचर्ड्स के साथ थे सर क्लाइव लॉयड। लॉयड को उस दिन ग्रोइन में कुछ समस्या थी, वो सही से चल नहीं पा रहे थे। शायद इसी चक्कर में रिचर्ड्स मैच जल्दी खत्म करना चाहते थे, लगातार लंबे लंबे शॉट्स लगा रहे थे। ऐसे में मदन लाल ने बॉल को ऑफ स्टंप से थोड़ा सा करीब शॉट रखा। रिचर्ड्स ने बेहद तसल्ली के साथ खुद को तैयार किया और बॉल को मिड विकेट के पार बैठे दर्शकों तक पहुंचाने की तैयारी कर ली। लेकिन बॉल तो मदन लाल फेंक रहे थे, स्लो आनी ही थी, तो रिचर्ड्स की टाइमिंग बैठी नहीं। बल्ला पहले चला और बॉल आई बाद में, ऊपरी किनारा लगा और बॉल हवा में उड़ गई। फाइन लेग से यशपाल शर्मा उसे पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन तभी मिडॉन पर खड़े कपिल ने दौड़ लगा दी। भागते भागते कपिल ने शर्मा को रोक दिया। कपिल बॉल को देखते हुए उल्टी दिशा में भाग रहे थे। कई मीटर तक भागने के बाद अंततः बॉल कपिल के दोनों हाथों में आ गिरी। ये बहुत चर्चित कैच है, आज भी कहा जाता है कि इसी कैच ने मैच भारत की ओर मोड़ा। वेस्टइंडीज के लेजेंडरी बॉलर रहे जोएल गार्नर कहते हैं, वही कैच हार और जीत के बीच का अंतर था। इस कैच के लिए कपिल की हमेशा तारीफ होती है, लेकिन मदन लाल कम ही लोगों को याद आते हैं। मदन लाल का करियर ही ऐसा है, उन्होंने जब भी अच्छा प्रदर्शन किया किसी और ने उनसे बेहतर किया और हेडलाइंस बटोर ली, लेकिन जब भी भारत के लिए खेले मेहनती प्लेयर्स की बात होगी, मदन लाल का नाम उसमें जरूर शामिल होगा। फिर चाहे वो 1986 का इंग्लैंड टूर हो या एक दशक से ज़्यादा वक्त तक टीम इंडिया के लिए नई बॉल संभालने की बात, किस्से बहुत से हैं, लेकिन सबसे पहला किस्सा होना चाहिए 18 जून 1983 का वर्ल्ड कप का 20वां मैच। भारत के सामने थी जिम्बाब्वे। ये वो दौर था जब भारत और जिम्बाब्वे क्रिकेट के इस फॉर्मेट में एक जैसे थे। टर्नब्रिज ओवल के मैदान में कपिल ने टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया। भारत ने 17 रन पर 5 विकेट खो दिए। फिर कपिल ने 175 मारे और भारत जीत गया। ये किस्सा सबको मालूम है, लेकिन इन किस्सों के बीच भी कई किस्से हैं, जैसे 78 पर भारत के 7 विकेट गिर गए थे। कपिल एक एंड पर खड़े थे, लेकिन उनका साथ देने के लिए कोई नहीं था। तब आए मदन लाल। मदन ने रन तो सिर्फ 17 बनाए, लेकिन इस दौरान उन्होंने कपिल के साथ 62 रनों की बेहद ज़रूरी पार्टनरशिप की। ये मैच ना सिर्फ भारत बल्कि आयोजकों के लिए भी बेहद ज़रूरी था। भारत के 5 विकेट गिरने के बाद बीबीसी ने जिम्बाब्वे के मैनेजर डेव एलमैन ब्राउन को फ़ोन किया। जिम्बाब्वे की जीत पक्की मान बीबीसी ने ब्राउन को आकर इंटरव्यू देने के लिए कहा। इससे पहले आयोजक भी भागकर उन तक जा चुके थे। जाकर उन्होंने ब्राउन से आशंका जताई थी कि मैच तो लंच टाइम से पहले खत्म हो जाएगा। बेहद अनुभवी क्रिकेट प्रशासक ब्राउन ने दोनों को एक ही जवाब दिया, मैच अभी खत्म नहीं हुआ। और उनकी बात सही भी साबित हुई। पहले मदन लाल और फिर विकेट कीपर सैयद किरबानी ने कपिल के साथ मिलकर भारत को 266 तक पहुंचा दिया। इन दोनों ने ही रन तो काफ़ी ज़्यादा नहीं बनाए, लेकिन बैटिंग पूरी चतुराई के साथ की। लगातार सिंगल्स लेकर कपिल को स्ट्राइक पर रखा। कपिल ने टर्नब्रिज ओवल की एक कोने की पिच पर खेले गए स्मैश मैदान का खूब फायदा उठाया। दरअसल मैदान के एक ओवर की बाउंड्री छोटी, जबकि दूसरे ओवर की काफ़ी बड़ी थी। छोटी तरफ मारा तो बाउंड्री और बड़े साइड में मारा तो 3 रन भाग कर लिए जा सकते थे। जवाब में खेलने उतरी जिम्बाब्वे की टीम 235 पर सिमट गई। मदन लाल ने 3 विकेट भी निकाले। 1983 वर्ल्ड कप में मदन लाल ने कुल 17 विकेट लिए थे। उनसे ज़्यादा विकेट सिर्फ रोजर विन्नी, यानी कि उन्होंने 18 विकेट लिए थे। लेकिन भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाले प्लेयर्स में उनका नाम कम ही लिया जाता है। कट टू 1986, इंडियन क्रिकेट टीम इंग्लैंड टूर पर थी। चेतन शर्मा जावेद मियांदाद के छक्के को भूल चुके थे। इस टूर पर शर्मा गजब के फॉर्म में थे, इंग्लिश बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे।
प्रैक्टिस मैचों में कमाल करने के बाद टूर के पहले टेस्ट में शर्मा ने 6 विकेट निकाले और भारत ने यह टेस्ट 5 विकेट से जीत लिया। ये लॉर्ड्स में भारत की पहली टेस्ट जीत थी, लेकिन यह जीत टीम के लिए बुरी खबर भी लाई थी। चेतन शर्मा चोटिल हो गए। उस वक्त 35 साल के हो चुके मदन लाल वहीं सेंट्रल लैंकशायर लीग में खेल रहे थे। तुरंत उन्हें बुलाया गया। मदन लाल को वहां से बुलाकर सीधे लीड्स में हुए दूसरे टेस्ट में उतार दिया गया। मदन ने पहली पारी में सिर्फ 18 रन देकर 3 विकेट निकाले। यह उनके टेस्ट करियर का आखिरी टेस्ट साबित हुआ। कमाल की बात यह है कि मदन लाल ने 12 साल पहले अपना टेस्ट करियर मैनचेस्टर से ही शुरू किया था। मैनचेस्टर से लीड्स बस 1 घंटे की ड्राइव पर है। मदन लाल 20 मार्च 1951 को अमृतसर में पैदा हुए थे। मदन लाल ने भारत के लिए कुल 39 टेस्ट और 67 वनडे खेले। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके नाम 10,000 से ज्यादा रन और 600 से ज्यादा विकेट है। आपके लिए कहानी लिखी थी हमारे साथी सूरज ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।